है कि दिन दहाड़े जर्राफा व्यापारी से लूट की कोशिश को अंजाम दिया गया है। दुकान में नकाबपोश बदमाश घुसे अंदर, बेधड़क व्यापारी को धमकाया, एक फीट लंबा चाकू दिखाते हुए नकदी और जेवरात बैग में भरने के लिए धमकाया। उसके बाद व्यापारी गोविंद सोनी ने दिलेरी दिखाई, जांबाजी दिखाई, बहादुरी दिखाई और बदमाश जो बैग लेकर आए थे वही उस पर दे मारा। बदमाश मौके से भागने में कामयाब हो चुका है। हालांकि अंगूठी खरीदने के बहाने ये बदमाश दुकान में घुसा था। व्यापारी की दिलेरी से, व्यापारी की बहादुरी से बड़ी वारदात नहीं हुई है। सदर बाजार स्थित गोविंद सोनी के प्रतिष्ठान पर यह वारदात हुई है। व्यापारी की तरफ से कोतवाली थाने में प्रकरण भी दर्ज करवा दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रतापगढ़ से, जहां पर दिन दहाड़े सर्राफा व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन व्यापारी की बहादुरी से बदमाश लूट करने में नाकाम रहा। घटनाक्रम कुछ इस तरह से रहा कि दुकान में नकाबपोश बदमाश घुसा, व्यापारी को धमकी देने लगा। बाकायदा बदमाश के हाथ में एक फीट लंबा चाकू था, जिसको दिखाते हुए धमकाते हुए व्यापारी को नकदी और जेवरात अपने साथ लाए हुए बैग में भरने के लिए कहने लगा। इसी बीच व्यापारी गोविंद सोनी ने दिलेरी दिखाई, जांबाजी दिखाई और उस वक्त तुरंत उन्होंने बदमाश जो बैग लेकर आया था, जिसमें कैश और ज्वेलरी भरने के लिए वो कह रहा था, उसी बैग वो बदमाश पर दे मारा। और इस बीच बदमाश हक्का बक्का रह गया, बदमाश को कुछ समझ नहीं आया, बदमाश फिर वहां से भागने की ही फिराक में जुट गया। अपने उसने लूट की वारदात के प्लान को कैंसिल कर दिया। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रतापगढ़ से। तस्वीरें भी आई हैं इस खबर से जुड़ी हुई, और व्यापारी की कैसी बहादुरी सर्राफा कारोबारी की यहां पर देखने को मिली है, वो अपने आप में एक मिसाल है। हमारे संवाददाता इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, चंचल। व्यापारी की सजगता, उनकी दिलेरी बहादुरी के चलते वो अपनी दुकान को लुटने से बचाने में कामयाब रहे। जी बिल्कुल, मैं बता देता हूँ, अभी कुछ दिनों से शहर में जो है अपराधियों का खौफ काफी बढ़ गया है। अभी हाल ही में 2 से 3 चाकूबाजी की घटनाएं हो चुकी है, और ऐसा ही एक मामला देखने को आया जहाँ व्यापारी के ऊपर दुकान पर बैठा हुआ था, तो उसी दौरान एक बदमाश दुकान पर पहुंचा और चाकू दिखा करके व्यापारी से नकदी और सोने के जेवरात जो है वो बैग में डालने के लिए कहा। इसी दौरान व्यापारी ने बदमाश का जो बैग था उसी के ऊपर दे मारा और हल्ला मचाना शुरू कर दिया। तो इस दौरान बदमाश वहां से भाग गया और काफी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, लेकिन बदमाश जो है वो भागने में सफल हो गया। उस दौरान व्यापारी अकेले ही थे अपने प्रतिष्ठान पर, अपनी दुकान पर, और क्या कोई ग्राहक नहीं था? जी बिल्कुल, क्योंकि जो बदमाश दुकान पर पहुंचा था वो वहां पर अंगूठी खरीदने के बहाने पहुंचा था, और उस दौरान व्यापारी और उसका एक जो नौकर था वही दुकान पर थे, और वही जो बदमाश था उसने नौकर को धमका करके दूसरी ओर भगाया, व्यापारी को जो नकदी और जेवर थे वो बैग में डालने के लिए कहा था, लेकिन व्यापारी ने सजगता दिखाते हुए जो बैग, ये देखिए चंचल तस्वीरें सामने आई हैं, तस्वीरें हम बताते रहे, आप हमारे साथ लाइन पर बने रहिएगा। ये पूरा घटनाक्रम कैसे घटा, ये व्यापारी अंदर बैठे हुए थे, चाकू हाथ में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आप देखिए बदमाश अंदर घुसता है, खड़ा हुआ है बदमाश, चाकू एक फीट लंबा, ये चाकू धैर्य बनाए रखा, व्यापारी आराम से बैठे रहे, नौकर भी वहीं पर ही डटा रहा। जैसा हमारे सहयोगी चंचल भी लाइन पर बने हुए हैं, हम जरा पहले इन तस्वीरों को बताते हैं। बैग लेकर आया था, काले रंग का ये बैग लेकर आया था, काले रंग के बैग को दिया और व्यापारी ने देखिए कैसे बहादुरी दिखाई, ये बैग दे मारा। फिर से घटनाक्रम दिखाते हैं, देखिए एक बार फिर से ये बैग पकड़ाया, कहा कि इसमें सारी ज्वेलरी भर दो, पैसे भर दो जो भी है, लेकिन बहादुरी दिखाते हुए इतनी देर में डिसीजन ले लिया कि अगला कदम क्या उठाना है व्यापारी ने। और फिर व्यापारी ने देखिएगा ध्यान से कैसे व्यापारी इस बैग को उठाते हैं, क्योंकि निर्देश दिया गया, धमकाया गया कि इस बैग में सारी रकम, सारी ज्वेलरी आपको अंदर रखनी है। व्यापारी इसी बीच, ये देखिए व्यापारी ने बैग उठाया और उठते ही तुरंत झपट्टा मारा, और ये देखिए बदमाश वहां से भागने का चंचल बने हुए लगा था, लेकिन चंचल ये जो भागा है फिर ये दौड़ते हुए भागा या किसी वाहन से आया था? अंदर की सीसीटीवी तो आई है, बाजार की भी सीसीटीवी पुलिस तक पहुंची है क्या अभी? चंचल आप लाइन पर हैं क्या? जी बिल्कुल हाँ, मुझे बताइए चंचल कि ये तस्वीरें अंदर की हम दिखा रहे हैं, ये बदमाश
किसी वाहन पर आया था या पैदल ही आया था और भागा फिर उस किस तरह से? जी बिल्कुल, व्यापारी की ओर से पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया और पुलिस जो है वो अब जो बाजार के अंदर जो अन्य सीसीटीवी फुटेज लगे हैं उनको खंगालने में जुटी हुई है कि बदमाश किसी वाहन से आया था या पैदल ही आया था। हालांकि कि जब व्यापारी ने शोर मचाया था तो ये बदमाश वहां से पैदल ही भाग छूटा था और दूसरे लोग इसे पकड़ पाते उससे पहले ही ये वहां से निकल गया था। लेकिन जैसा आपने बताया कि यहाँ पर बदमाशों का खौफ बना हुआ है और अगर दिन दहाड़े इस तरह की घटनाएं होंगी तो जाहिर तौर पर नाराजगी भी व्यापारियों की आम लोगों की सामने आ सकती है। चंचल सनाढ़े इस एक्सक्लूसिव बड़ी खबर को ब्रेक करने